नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। अराइज न्यूज चला गांव की ओर कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की बलिया पंचायत, जहां से सविता देवी प्रधान हैं। पंचायत के विकास पर सविता देवी के पति ज्ञानचंद्र सिंह कहते हैं कि वो अपनी पंचायत के विकास के लिए जी जान से जुटे हैं। हालांकि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए फंड की कमी आड़े आ रही है। उनका कहना है कि वो पंचायत की जनता से किए वादों पर 100% खरा उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राइट न्यूज में स्वागत है आपके। आज सिवान जिला प्रखंड अंदर पंचायत बलिया में यहां पे मुखिया पद सविता देवी ने मुखिया पद से चुनाव लड़ी हुई है। मेरे सामने सविता देवी का पति मेरे सामने यहाँ उपस्थित है। देखिए किस तरह से इन्होंने PCC का काम यहाँ पर विकास देने का काम कर रहे हैं और नाली का भी विकास देने का काम कर रहे हैं। इनसे आप परिचय लेना चाहेंगे। सर अपना नाम बता। किस तरह से अपने पंचायत में विकास देने का काम कर रहे हैं सर? और काम चल रहा है आपके पंचायत में? नल जल योजना का पानी सारे पंचायत में मिलता है सर? अरे पंचायत में तो नहीं मिलता है। हाँ। लेकिन हमारे 2 नंबर वार्ड का मिलता है, 1 नंबर वार्ड आपके पंचायत 3 नंबर का नहीं मिलता है। यहाँ आपके पंचायत की PM आवास की क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है, सब ये गरीब लोग सबको मिला है PM आवास। जी जी। यहाँ गली नली का सर? गली नली पूरे पंचायत का, पूरे पंचायत का विकास तो मान लीजिए शुरू किया है। 42 साल का ऐसा हुआ पंचायत है। अब मतलब लोगों को भी आशा है, हम चुनाव भी बोले थे अगर जीत होगी तो आप लोग देखिए कैसे काम होता है। तो हम काम मैंने अपने वादे पर पूरे खड़े उतर चुके हैं। करना है जी जी जी। यहाँ पे सर पंचायत में शौचालय की व्यवस्था कैसा है? शौचालय का व्यवस्था मान पहले तो नहीं ठीक था, लेकिन अब तो सबको शौचालय दिया गया है, ठीक चल रहा है। शौचालय आ भी रहा है, सबको मिले, एक घर भी बाकी नहीं रहेगा बिना शौचालय का, एक घर बाकी नहीं। यहाँ राशन कार्ड का गरीबों के लिए फर्स्ट क्लास राशन कार्ड सबके पास व्यवस्था है, कोई नहीं जो बिना राशन कार्ड का हो। यहाँ पे वृद्धा पेंशन बाकी था कोई बाकी नहीं ना, सबको मिला है सब एकदम। अरे जनता से कुछ यही लोग बताएंगे आपके पंचायत में शायद शिक्षा का स्तर कैसा है? गाँव जो है अमेरिका इंग्लैंड लंदन सब लोग रहने वाले हैं सब। मैंने पहले से भी गाँव भी विकसित है यहाँ का। अब मैंने पंचायती राज में तो 42 साल में मैंने वहीं जाने का भी रास्ता नहीं। आज आपने पंचायत को किस तरह से आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे? अभी हम बोलेंगे नहीं, आप आइएगा फिर अगले साल देखिएगा। चलिए मेरे सामने यहाँ पब्लिक उपस्थित है, ये लोग से भी कुछ हम सवालें करेंगे। सर अपना नाम बताए। किस तरह से मुखिया जी यहाँ पे विकास दिखाने का काम करें उस विषय आप क्या करना चाहेंगे? विकास हो रहा है अभी तो स्टार्ट किए हैं जी जी, ज्यादा तो काम नहीं कराए हैं जी जी। आने वाला समय में मुखिया जी का कैसा रहेगा फिर से? वो आने वाला अभी तो शुरुआत है, तो फिर आने वाला में तो आगे तो फिर और विकास होगा जी जी। किस तरह से यहाँ पे सारे काम पेंडिंग में था, जैसे मुखिया जी जितना विकास विकास करना चाह रहे हैं? अभी उधर का भी नाली है, बता रहे हैं कि हम उधर से भी जलाई कराएंगे। पूजा खत्म हो जाए उस समय शॉर्ट घाट भी बना है, उसको क्या करना चाहते हैं? शॉर्ट घाट बहुत बढ़िया बनवाए हैं, लंबा है हुआ है, विकास हो रहा है। अभी तो शुरुआत किए है, अभी देखिए अभी उधर का भी कराएंगे, उस बाहर वाला जो गाँव के साइड में रोड थोड़ा खराब है तो उसको भी बता ही रहे। चलिए मेरे सामने यहाँ पब्लिक उसको इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। सर अपना नाम बता। प्रभास सिंह। अभी किस तरह से यहाँ पे मुखिया पद की सविता देवी ने चुनाव जीती है, उनके पति जी किस तरह से विकास अपने पंचायत में देने का काम करे, उस अवसर पर क्या करना चाहेंगे? पहले मुखिया से तो लाख गुना बेटर काम हो रहा है, पहले 0 हुआ था काम, अभी जो नया ये रोड दिया ये काम पर हो रहा है, अभी ये काम से संतुष्ट है आप लोग? पूरा गाँव सब पूरा पंचायत संतुष्ट है, एक आदमी की नहीं है, पूरी पंचायत से संतुष्ट है इस काम जी जी। अभी और आगे काम होगा, जैसे फंड आएगा वैसे काम जी। मुखिया बने हैं बस विकास के। अपना नाम बता। भरत कुमार चौहान। अभी किस तरह से मुखिया जी आप विकास देने का काम करें, उस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी की तरफ से? मुखिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। चलिए मेरे सामने यहाँ उपस्थित नहीं चले कुछ सवाल करेंगे। सर अपना नाम बता। अभी मुखिया जी आपके आपके गांव में विकास कर रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह विकास करेंगे अपने पंचायत में मुखिया जी? 40 साल विकास बड़े विकास दिखाई दे रहा था गाँव में ना, सारे देखिए PCC भी हो रहा है, नाल का भी तैयारी हो रही है, घर का पानी रोडों पर लग जाता था, कीचड़ बहुत कीचड़ होता है। हाँ हाँ,
अब आने जाने में सुविधा भी होगी। इतना पानी है। चलिए मेरे सामने यहाँ पे उपस्थित हैं, इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। अपना नाम बताएं। अभी मुखिया जी बहुत विकास करा रहे हैं आपके पंचायत में, क्या लगता है आने वाला समय मुखिया जी का कैसा रहेगा? आगे बढ़ेगा। अपना नाम बताएं। अच्छा ये बताइए मुखिया जी, की तरह से विकास आपने देने का काम करें उस पर अवसर तो क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी तरफ से? बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग जब से उम्र हुआ है तब से हम लोग जैसे ही अब पहले भी आए हम रास्ते से पूरा कचरा ही कचरा था। लेकिन अब जाकर अभी तो PCC होने हो गया, बहुत बढ़िया। काम से आप लोग संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है हम लोग। अभी तक हम लोग छठ मतलब किसी ने मुखिया ने नहीं रंगवाया, अभी तक छठ रोड का पूरा व्यवस्था हुआ है, छठ घाट भी बन गया। जी जी, वहाँ पे छठ घाट भी बन गया, नए नए छठ घाट पूरा माटी वाटी गिरवाया, पूरा पेंटिंग वेंटिंग करवाए हैं। उस पर क्या कहेंगे चाचा अपने पंचायत के लिए? ऐसा कर रहा है ना, PCC हो जाए, आने जाने में बहुत सुविधा होगी। बस साइकिल दम कुछ चल रही थी, अब प्लेन चलेगी नहीं? 4 महीने में काम काम कर रहे हैं ना, 4 महीना किया हुआ। अच्छा तोड़ दिया ना? तोड़ दिया। आने वाला समय कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। चलिए।